नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने एक बार पहले सुना हुआ है कि अगर कोई क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरे तो एक बड़ा क्रेस्ट हो जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें एक क्रेस्ट अगर मान लो 10 एम्पलीट्यूड का है, दूसरा 8 का है, तो 10 + 8 = 18, और क्रेस्ट ट्रफ पे गिरे तो 10 - 8 = 2। तो जब क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्रेस्ट ट्रफ पे गिर रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मान लो दो वेव्स हैं, ये पहली वेव है दूसरी वेव है, दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, फाई है, साफ पता लग रहा है इसमें फाई एक्स्ट्रा है। इसमें अगर मैं इन्हें सुपर इम्पोज कर दूं, मिला दूं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमने SHM के अंदर भी किया था, एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रूल लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ a1² a2² to a1a2 cos of φ, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अगर और ये इसका एंगल एफ डेल्टा, ये करने की जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम कब आएगा, जब कॉस फाई की वैल्यू इसमें क्या होगी, मैक्सिमम, जो कि क्या होती है 1। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मिनिमम आएगा। मिनिमम कब आएगा, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, -1। तो कॉस फाई 1 का मतलब कंस्ट्रक्टिव, कॉस फाई -1 का मतलब डिस्ट्रक्टिव। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, कॉस फाई 1 है। और ऐसा कब होता है, मेडिकल के लोग याद करेंगे, नॉन मेडिकल को पता है कि जब फेज डिफरेंस क्या होगा 2nπ, एंगल क्या होगा 2nπ, क्योंकि 2nπ के ऊपर cos of 2nπ हमेशा आंसर क्या देगा 1। तो इसमें 2π स्टैंड फॉर लैम्डा, याद है पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो जाता था, तो 2π की जगह क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा। तो अगर यानी कि फेज डिफरेंस दो वेव में इतने है, या पाथ डिफरेंस n लैम्डा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, यहां तक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो इसके अंदर जो कंडीशन याद करनी है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कब होगा, जब -1 होगा। मैथ्स में कॉस फाई -1 कब होता है, जब एंगल क्या होता है 2n + 1 × π, या पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, λ/2। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो एक चीज ध्यान में रखें कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वर्ड यूज करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है 1, तो एम्पलीट्यूड क्या आता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a1 + a2² होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ये 1 पुट करेंगे तो a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बनेगा। तो याद रखना कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा, a1 + a2। और उसी तरीके से मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा, a1 - a2। वो क्यों, क्योंकि मिनिमम के केस में ये क्या हो जाएगा, -1। तो a² + b² - 2ab का मतलब a - b² होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि a - b। तो एक फॉर्मूला बन गया, ए मैक्स का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, ए मैक्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट, a1 + a2, और ए मिनिमम का फॉर्मूला क्या बन गया, a1 - a2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो ये आपको याद रखनी है कंडीशंस। अब एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, वो क्या, कि अगर आपके पास कोई भी एक वेव है, आपके पास कोई भी एक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, यानी कि वो अपने मीन पोजीशन से उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, यानी कि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो कम डिस्प्लेस हो रही है एनर्जी कम है, और जो ज्यादा डिस्प्लेस हो रही है एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी से टर्म निकलती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, किसी भी वेव की एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो हम ये टर्म आगे जाके पढ़ेंगे भी, पर अभी आप याद रखो कि इंटेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है जो एनर्जी रिलेटेड है, और एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी वेव के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इंटेंसिटी इज सम कॉन्स्टेंट इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज सम कॉन्स्टेंट के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर आई मैक्स की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब ये a1 + a2 होगा। मिनिमम कब होगी, जब ये a1 - a2, क्योंकि मिनिमम एम्पलीट्यूड है तो मिनिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ये डिवाइड करेंगे तो एक फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला I max और I minimum का कभी कभी numerical या objective में इस formula को आप लगते हुए देखेंगे। ये जो मैंने theory करवाई पूरी की पूरी,
ये आपकी साउंड के लिए एप्लीकेबल है, इवन लाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। लाइट की वेव्स हम प्लस टू के अंदर करेंगे, लाइट की वेव्स को इंटरफेयर करेंगे, लाइट दो लाइट को इंटरफेयर करेंगे, उसमें ये थ्योरी बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी में रिपीट होगी, और ये पूरी थ्योरी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आई मैक्स आई मिनिमम उसके अंदर भी करेंगे। ठीक है यहाँ तक?